हेलो एवरीवन, मैं हूँ वनीता एंड वेलकम टू कुक विद वनीता। आज हम बनाएंगे अंडा दम बिरयानी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। 2 कप राइस मैंने 90% कुक करके लिया है, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर, 2 अंडे फोड़ के, 1/2 कप दही, 2 प्याज पतले काट के उसे फ्राई करके लिया है, उबाल के छिलके निकाल के ये 5 अंडे लिए हैं, 2 हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट, पुदीना और हरा धनिया। अब इन उबले हुए अंडों को हम इस तरह थोड़ा सा कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाके फटेंगे नहीं। अब पैन गरम कर लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा तेल। तेल में हम ये फोड़ के रखे हुए अंडे डाल देंगे। अब इन अंडों की हम भुर्जी बना के लेंगे। अंडा भुर्जी बनाते समय हम जिस तरह फ्राई करते हैं ना, उसी तरह इसे फ्राई करके लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम साइड में निकाल के रखेंगे। अब सेम पैन में डालेंगे अंडे और अंडों के साथ डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल में डालेंगे थोड़े मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। अब इन मसालों की इन अंडों के ऊपर कोटिंग आने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसे निकाल लें। इससे अंडों के ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी बनेगी और मसालों से अंडों की टेस्ट भी बढ़ेगी। अब सेम पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे। अब सभी मसालों को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, अच्छे से मिला लेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज जैसे ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से भून के हो गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसे भी हम अच्छे से तेल छूटने तक भून लेंगे। प्याज और टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छूटे। ये देखिए, इसमें से तेल छूटना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे दही। दही डाल के इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, दही अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें से तेल भी छूटना स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। मसाला यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे पुदीना, हरा धनिया और थोड़े से हरी मिर्च। साथ में डालेंगे फ्राई करके रखा हुआ प्याज। ये तला हुआ प्याज डालने से इस मसाले की टेस्ट बहुत ही बढ़ेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के 5 मिनट तक अच्छे से प्याज और टमाटर और सारे मसाले सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहाँ पर मसाले अच्छे से पक गए हैं, इसमें से एकदम बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 मसाला निकाल के साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब लेते हैं बिरयानी सेट करने के लिए। सबसे पहले हम मसाले के ऊपर ये राइस डाल लेंगे। राइस डालकर इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। अब इसके ऊपर डालेंगे ये अंडा भुर्जी और फिर साथ में डालेंगे ये उबले हुए अंडे। आप चाहे तो ये अंडों को हाफ करके भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे ये मसाला। मसाला डाल के इसे हम अच्छे से फैला लेंगे, ये सभी जगह पे अच्छे से लगना चाहिए। अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ प्याज और साथ में डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। अब ये एक लेयर कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी लेयर डाल लेंगे। पहले डालेंगे चावल, उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर, ऊपर से डालेंगे ये अंडे की भुर्जी
और फिर तला हुआ ये प्याज। अब इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसकी खुशबू बिरयानी में बहुत ही अच्छे से आती है। अब डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पर केसर दूध में भिगो के भी डाल सकते हैं। अब चावल पकने के बाद उसे छान के लिया हुआ जो पानी बचा था वो पानी इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे। इससे बिरयानी ड्राई नहीं होगी, एकदम से जूसी बन जाएगी। यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 15 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देख लेंगे। वाव, एकदम बढ़िया बनी है बिरयानी, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिरयानी एकदम से बढ़िया बनी है, हर एक दाना चावल का खिला खिला हुआ है और इसका आप कलर भी देख सकते हो, एकदम से बढ़िया आया है। और जो हमने अंडे की भुर्जी बना के डाली है उससे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर बिरयानी दिखने में जितनी कलरफुल दिख रही है खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। आप इस अंडा दम बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।